और चलिए इसी बीच अब रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि बहराइच से सामने आ रही है। दरअसल महाराजगंज हिंसा मामले में महसी सीओ को निलंबित कर दिया गया है। नए सीओ रवि खोखर को यह जिम्मेदारी दी गई है। मामले में अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रामगोपाल मिश्रा की पीएम रिपोर्ट भी सामने आई। मृतक रामगोपाल मिश्रा के साथ में बर्बरता हुई थी। तो बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, महाराजगंज हिंसा मामले में अब महसी सीओ को निलंबित किया जा चुका है। उनकी जगह अब नए सीओ रवि खोखर को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि मामले में अब तक कुल 50 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जहां रामगोपाल मिश्रा की जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो इसमें मृतक के साथ बर्बरता की बात सामने आई है। तो महाराजगंज हिंसा मामले में आपको बता दें कि सीओ को निलंबित कर दिया गया है। नए सीओ अब रवि खोखर को यह जिम्मेदारी दी गई है। मामले में अब तक कुल 50 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और मृतक राम गोपाल मिश्रा की पीएम रिपोर्ट की आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक राम गोपाल मिश्रा के साथ बर्बरता की बात कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से, जो आपको बता दें कि महाराजगंज हिंसा मामले में महसी सीओ को निलंबित किया गया है। नए सीओ रवि खोखर को यह जिम्मेदारी दी गई है। मामले में अब तक कुल 50 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। रामगोपाल मिश्रा की पीएम रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में मृतक रामगोपाल मिश्रा के साथ बर्बरता की बात कही गई है। तो बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि महाराजगंज हिंसा मामले में महसी सीओ को निलंबित किया जा चुका है और अब रवि खोखर को नए सीओ के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। मामले में अब तक कुल 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। जब मृतक रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें मृतक के साथ बर्बरता की बात कही गई है। तो ये बड़ा खुलासा मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। आपको बता दें कि महाराजगंज हिंसा मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल महसी सीओ को जहां निलंबित किया जा चुका है, तो वहीं अब रवि खोखर को नए सीओ के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में अब तक कुल 50 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एक बड़ा खुलासा हुआ। कहा जा रहा है कि मृतक रामगोपाल मिश्रा के साथ में बर्बरता की गई और अब हालांकि मामले पर पुलिस एक्टिव है, सतर्क है, जहां कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 50 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा महसी सीओ को निलंबित भी किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनोद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद, महाराजगंज हिंसा मामले में महसी सीओ को जहां निलंबित किया गया तो वहीं मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्कुल नैंसी, बड़ा खुलासा हुआ है। कल अनादि टीवी ने जब सवाल किया था, एडीजी गोरखपुर से सवाल किया था, क्या पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी, तो एडीजी ने खैर कैमरे पर बोलने से मना कर दिया था। एडीजी कैमरे को देखकर, अनादि टीवी के सवाल को देखकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन देर रात सीओ महसी जो उपेंद्र गौड़ है उनको निलंबित कर दिया गया है। और ये सबसे बड़ा अपडेट अनादि टीवी अपने दर्शकों को दे रहा है। वहीं 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनका मेडिकल कराया गया है, उनको जेल भेजा गया है। और रही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर से डॉक्टरों ने लिखा है कि रामगोपाल मिश्रा के साथ पहले बर्बरता की गई है, उनके शरीर पे कई ऐसे जख्म के निशान पाए गए हैं, कई ऐसे छर्रे पाए गए हैं जो उनके छर्रों से, उनके शरीर से छर्रे निकाले गए हैं। बिल्कुल, यानी कि अब पुलिस मामले पर सतर्क है, एक्टिव है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। जहां नए सीओ रवि खोखर को जिम्मेदारी दी गई, तो दूसरी ओर अब तक कुल 50 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।